हेलो फ्रेंड्स, एसएसएम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जाम से पहले कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ज़्यादातर लड़के पूछते रहते हैं कि सर हमें कितना पढ़ना चाहिए कि हमारे ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, हमें कितना पढ़ना चाहिए कि मैं आईटी एग्ज़ाम निकाल लूँ, मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए कि मैं मेडिकल एग्ज़ाम निकाल लूँ। तो इस सब का सवाल का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जानने के लिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन दबाकर, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपकी इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए और आप अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकें। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए ये सवाल भी बड़ा रोचक है। देखिए फ्रेंड्स, हम मशीन नहीं हैं कि हमें चालू कर दिया जाए, हम भी 20 घंटा दो दो दिन तक चलते ही रहें और फिर 10 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए, फिर हमारे कल पुर्जे ठंडे हो जाएंगे और फिर हम 20 घंटा के लिए काम करने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है और हम ऐसा नहीं कि इतना घंटा काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इतना घंटा काम करेंगे तो हमारा मेंटल रेगुलेशन और फिजिकल रेगुलेशन दोनों डिस्टर्ब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एक लिमिट में ही पढ़ना चाहिए, जितना हमारा बॉडी सपोर्ट कर सके। ऐसा नहीं, ज़्यादातर हमने देखा है कि स्टूडेंट सुनते हैं, खासकर बिलो द ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन के अंदर तक के जो फील्ड होती है वो थोड़ा इनमेच्योर स्टेज वाली होती है। खासकर 12वीं के पहले वाली स्टेज तो और इनमेच्योर होती है, यानी 9 से 12 तक का मैं बात करूं तो उसमें ज़्यादातर इनमेच्योरिटी फेज रहती है। लड़कों को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, वो केवल जोश में रहते हैं और उस समय होश तो बिल्कुल नहीं रहता है। और यही हाल कुछ ग्रेजुएशन तक भी होता है, ग्रेजुएशन तक भी बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं रहती है। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद धीरे धीरे मेच्योरिटी आने लगती है अच्छे लेवल से। तो शुरू शुरू में मतलब जोश का खूब स्ट्रांग कंसंट्रेशन होता है और वही होश कम रहता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए फ्रेंड्स, आप में जोश ज़्यादा है, आपको कहीं से कुछ ठीक ठाक विचार मिल जाए, अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आप उसको अडॉप्ट कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। लड़के सुनते रहते हैं कि उसने 20 घंटा पढ़ा था और उसने आईटी एग्जाम निकाल लिया, उसने भाई 24 घंटे में 16-16 घंटे पढ़ दी थी और उसने क्या किया, मेडिकल एग्जाम उसने निकाल ली। तो इस तरह से वो बातें सुनते रहते हैं और उसी अकॉर्डिंग वो कभी कभी मेहनत भी कर देते हैं, हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा वो पढ़ लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी पर स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ज़बरदस्त लोड पड़ जाता है और आप हो सकता है कि आप बीमार भी पड़ जाए, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक आप जब जागेंगे अपना नींद को ब्रेक कर तो आपको क्या होगा, वो लीवर और इंटरनल फंक्शन ऑफ द बॉडी पर बुरा असर डालेगा, जिससे क्या होगा आपका रिदम, जो बॉडी का रिदम होगा वो खराब होगा, टाइम फंक्शन उसका खराब होगा, फिर आपका अपना डेली रूटीन ये सब खराब होने लगेगा और आप धीरे धीरे बीमारी की ओर टेंट्स हो जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि नहीं कि मतलब कि आप एक ओवर में इतना ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करें कि आप फिर आउट ही हो जाएं, तो फिर ऐसा फिर मैच जीतने से आप फिर दूरी रह जाएंगे, क्रिकेट की भाषा में बोल रहा हूँ। तो हमारे कहने का मतलब सब कुछ आप बैलेंस कर चलिए। तो आप देखिए, ऐसा कोई नहीं होता है कि भाई ये जिसने कि ये क्या कहते हैं 20 घंटा पढ़ा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इक्वल एक क्या कहते हैं ना कि हमारे फील्ड में इस तरह से बातें फेंक दी जाती हैं कि भाई लड़के उसी में परेशान रहे। अगर आप ज़्यादातर खैर 12वीं तक तो ये होना चाहिए कि भाई अगर कोई आपसे बता रहा है कि देखो मैं इतना घंटा पढ़ता था, उतना घंटा इनडायरेक्ट, तो बात विश्वास मत कीजिए। ज़्यादातर लोग आप क्या होता है बहकाने वाले मिल जाते हैं। कुछ लड़के जो ज़्यादा नंबर्स पा जाते हैं वो नहीं चाहते कि उनके अगल बगल कोई रहे, तो इस वजह से क्या होता है वो मिसगाइडेड स्टेटमेंट देते हैं। अगर मान ले कोई लड़का मैथ्स में बहुत ज़्यादा पाता है तो भाई यही बताएगा कि मैं तो पढ़ता ही नहीं यार, हफ्ते में बस एकाध दिन एकाध दो घंटा मैथ देख लेता हूँ, हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई बिना प्रैक्टिस किए किसी फील्ड में स्ट्रांग हो जाए, ऐसा कुछ होता है। उसने कभी प्रैक्टिस किया हो सकता है, वो बोला कि भाई हफ्ते में एकाध दो दिन में पढ़ता हूँ, या मतलब जिसने ज़्यादा कुछ कम बताई तो हो सकता है वो हफ्ते में 4-5 घंटे ही मैथ लगाता हो, लेकिन कभी भी इससे पहले उसने उस फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा, तभी उसने उस फील्ड में महारत हासिल कर लिया। तो कहने का मतलब ये देखिए फ्रेंड्स, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं कंपटेटिव नेचर के होंगे, चाहे वो कितना भी आपके क्लोज क्यों ना हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके मार्क्स या आप उससे ज़्यादा आगे निकले, भले वो आपसे उठे बैठे खाए पिए कुछ करे, लेकिन आपके साथ वो कभी नहीं चाहेगा कि वो आप उससे आगे जाएं। तो इसीलिए कहने का कहीं ना कहीं से आपको ऐसा तीर फेंक देगा जिससे कि क्या होगा कि आप डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो कहने का मतलब ये सब कुछ समझ बुझ कर चलिए। आप अपने जो टीचर्स होते हैं उनसे ज़्यादा सजेशन लीजिए, अपने जो भाई बंधु हैं, आपके भाई आपसे कंपटीशन नहीं करेगा, जनरली यही होता है कंपटीशन, वो आप अच्छा बताएगा। जब फ्रेंड्स देखिए भाई, फ्रेंडशिप जो होती है ना वो क्या होती है कि भाई ग्रेजुएशन तक तो मज़ा नहीं देती, लेकिन आफ्टर द ग्रेजुएशन या आफ्टर द जॉब, ये जॉब के फील्ड में जब चले जाते हैं दो दोस्त ना, तब फ्रेंडशिप बढ़ना एक्चुअली फ्रेंडशिप होती है। नहीं तो फिर तो इससे पहले तो कम्पिटेटिव नेचर का होता है सब कुछ। तो
कहने का मतलब है कि भाई देखिए, आपको लग रहा है कि भाई 6 घंटा पढ़ना आपके लिए उपयुक्त है, तो ये सब मत देखिए कि भाई वो 12 घंटा पढ़ा, उतना लाया, ऐसा लाया, वैसे लाया, ये सब उनसे इंस्पिरेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखिए, दिन में 24 घंटे होते हैं, 9 घंटे मान लीजिए कि आपके स्कूल में चले जाते हैं, मान लीजिए कि 7 घंटे आप स्कूल देते हैं, 2 घंटे आने जाने, थकान वकान को निकाल दिया जाए, तो 9 घंटे आपको वैसे चले गए। तो और मान लीजिए कि 1-2 घंटे आपके कोचिंग के चले गए, तो कुल हो गया 11 घंटे। अब कितने बचे घंटे? 13। 13 घंटों में मान लीजिए कि आप निकाल दें 6 घंटे सोने के, तो इस तरह से बच जाएंगे आपके पास बहुत ही कम समय, 7 घंटे बच जाएंगे। तो 7 घंटे में से अगर आप 5 घंटे भी डेली का पढ़ लेते हैं ना, तो उतना बहुत है। और हमारे कहने का मतलब ये होता है कि ये जैसे कि मान लीजिए हफ्ते में अगर आप 7-6 दिन स्कूल जाना पड़ता है, 1 दिन छुट्टी रहती है, अगर हफ्ते में आप मान लीजिए किसी दिन छुट्टी भी पड़ गई, जैसे जो छुट्टियां होती हैं कि भाई ये जयंती पड़ गया, वो जयंती, या फिर मान लीजिए कि आप हफ्ते में 1 दिन बैंक का मार देते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप 2 दिन में कुछ ज़्यादा 14 घंटे 15 घंटे पढ़कर आप सब मेकअप कर सकते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। हमारे कहने का मतलब ये कि भाई देखिए, बहकावे में तो बिल्कुल मत आइए कि उसने 20 घंटे पढ़े थे तो उसने 18 घंटे पढ़े थे, ये सब बेफाजुल की बकवास रहती है। तो कम से कम देखिए भाई, जो सिविल सर्विस इस तरह से या जो कैट वेट निकालते हैं, वो लोग अपना स्टेटमेंट अच्छा देते हैं, रियल देते हैं, कि वाकई में जो वो लोग करते हैं वो वैसा ही बताते हैं। 100 में से 90% ऐसा ही होता है, 10% लोग ही झूठ बोलते हैं कि मैं जो भाई किसी ने पढ़ा रहता है 12 घंटा 10 घंटे, तो बताते नहीं मैं तो 2 ही घंटे पढ़ा था यार, मेरा तो IAS निकल गया। कोई पढ़ा रहता है भाई 10-10 घंटे डेली पढ़ा रहता है, मैं तो यार बस 3 घंटे पढ़ता था, वही हफ्ते में 2-3 दिन पढ़ता था, मेरा तो IAS में हो गया। उसी तरह भाई मैं तो कट निकाल लिया, कट एग्जामिनेशन तो मैंने बड़ी ईजी से निकाल लिया। तो इस तरह से वो रहता है, मतलब ऐसे, मतलब कि कहने का मतलब ये कि इस इतना आगे चले आने के बाद लोग झूठ का सहारा नहीं लेते, वो थोड़ा रियल स्टेटमेंट देते हैं, वो चाहते हैं कि फिर और लोग भी अच्छा करें। लेकिन उससे पहले जैसे 12वीं तक जो IIT या मेडिकल डॉक्टर निकालते हैं, वहाँ तक जो स्टेटमेंट जो टॉपर सुपर्स देते हैं वो ज़्यादा सही नहीं रहता है। 100 में से समझिए 40% सही रहता है, 100 में से 60% गलत ही रहता है, क्योंकि अभी वो उस फील्ड तक नहीं पहुँचे हैं कि आपको कुछ सही से बता दें और आप उनके सामने खड़े हो जाएं, तो ये सब कंपटेटिव नेचर रहता है। तो कहने का मतलब ये सब समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि बस सुन लिया और फिर लग गए पूरा काम करने, तो ऐसा कुछ दिक्कत हो का सामना करना पड़ जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब एक हेल्दी पढ़ाई पढ़िए, इस तरह से मेंटेन कीजिए, जब एग्जामिनेशन टाइम आए तो थोड़ा स्कूल स्कूल कम कर दीजिए, और एग्जाम के 1 महीना पहले तो स्कूल स्कूल जाना तो फिर किसी मूर्खता का काम है, स्कूल जाने कोई फायदा नहीं है। या अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो फिर कॉलेज को थोड़ा बंक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भाई आपको अपनी पढ़ाई पढ़ कर ही एग्जाम देना है, तो फिर मतलब कि सेल्फ प्रिपरेशन भी तो कोई चीज़ होती है। तो कहने का मतलब अगर एग्जाम आ गया है, एक आपका सेमेस्टर का एग्जाम आ गया, तो कम से कम 20 से 25 दिन पहले ही स्कूल छोड़ दीजिए, तो वही बेटर पड़ेगा। और इधर उधर की फालतू एक्टिविटी या कोचिंग वोचिंग है उसको भी छोड़ दीजिए, या हफ्ते में 1-8 बार जाइए केवल जायजा लेने के लिए, या हल्की फुल्की पूछताछ के लिए जाइए, मतलब कैसे क्या करना है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद के लिए लगाएं। तो इस तरह से जब प्रोसीड करेंगे ना, तब आपको सही समझ में आएगा कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितना घंटा छोड़ना चाहिए। तो इस फ्रेंड्स में सॉरी इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।